वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल की जो बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहले वो डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज रैशनल नंबर। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स and q is not equal to 0 is a rational number। तो rational number होने के लिए तीन conditions satisfy करना बहुत ज़रूरी है। number one, numbers को p by q form में होना चाहिए। number two, p और q दोनों ही integers होगा। number three, q is not equal to 0 होगा। ठीक है, तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे कोई नंबर तो उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, 4/7, -8/3, 5/-11, 7-2, 0, ये सारा रैशनल नंबर्स है। यहाँ पे देखो, p by q फॉर्म एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q दोनों ही इंटीजर्स है, इसमें भी तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें देखो, 7 को 7/1 लिखा जा सकता है। अगर 7/1 लिखे तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इसीलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। -2 को भी -2/1 लिखा जा सकता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 0 को भी 0/1 लिखा जा सकता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब देखो कुछ रिमार्क्स है, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रैशनल नंबर्स। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, एवरी इंटीजर पी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कैन बी रिटन एज पी बाई वन, सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। एग्जाम्पल, -3/5 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। देखो, कोई भी इंटीजर को ऐसे पी बाई वन ऐसे फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे पहले हमने देखा कि 7 को 7/1 लिखा जा सकता है, -2 को -2/1 लिखा जा सकता है, तो इसीलिए कोई भी इंटीजर्स को पी बाई वन फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर पी बाई वन फॉर्म में लिखा जाए तो वो तो हो गया रैशनल नंबर्स। लेकिन ये एक रैशनल नंबर है -3/5, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर तो ऐसे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, ये तो कोई नंबर के एक पार्ट है, इसीलिए ये इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है और जीरो भी नहीं है, तो इसको हम इंटीजर नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। इसके लिए प्रीवियस क्लास के फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है पहले वो आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखो, ये है क्लास 7 के आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल का। इसके पेज नंबर 28 में जाओ, जहाँ पे फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अ फ्रैक्शन इज रिटन एज पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर होल नंबर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर्म में है, लेकिन p और q दोनों होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। तो होल नंबर्स और इंटीजर्स दोनों में तो डिफरेंस है। होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सारे रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, पी है
नेगेटिव नंबर, होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए माइनस 3/7 को फ्रैक्शन नहीं कहा जा सकता, ठीक है। लेकिन ये रैशनल नंबर है, क्योंकि क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला है कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो, अ रैशनल नंबर माइनस पी बाई क्यू कैन बी रिटन एज माइनस पी बाई क्यू, मतलब न्यूमरेटर में अगर माइनस हो तो उसको ऐसे डिविशन लाइन के आगे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो सेम मीनिंग है। नेक्स्ट देखो, टू रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम वैल्यूज, मतलब दो रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट कह सकते हो अगर कट करने के बाद दोनों सेम ही आए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर डज नॉट चेंज इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड और डिवाइडेड बाई द सेम इंटीजर्स। ये तो प्रीवियस पॉइंट ही है। देखो, अगर कोई रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो रैशनल नंबर के वैल्यू चेंज नहीं होते। वही तो प्रीवियस पॉइंट में बोला है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स सेम होते हैं। अगर मल्टीप्लाई भी किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से तो उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन विद अ पॉजिटिव इंटीजर एज इट्स डिनोमिनेटर। कोई भी रैशनल नंबर को डिनोमिनेटर एज अ पॉजिटिव नंबर लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, माइनस पी बाई क्यू, यहाँ पे क्यू पॉजिटिव है, लेकिन अगर पी बाई माइनस क्यू होता तो उस माइनस को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर शिफ्ट करते न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव हो गया। तो इसीलिए एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन विद द पॉजिटिव इंटीजर एज इट्स डिनोमिनेटर। नेक्स्ट देखो, टू रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू एंड आर बाई एस आर इक्वल रिटन एज पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस इफ एंड ओनली इफ पी इंटू एस इक्वल टू क्यू इंटू आर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें। अगर ऐसे फॉर्म में है p बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, तो अगर s को p से मल्टीप्लाई कर दे और q को r से मल्टीप्लाई कर दे तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ रैशनल नंबर इज पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर और बोथ नेगेटिव इंटीजर, एंड अ रैशनल नंबर इज नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर are such that one of them is a positive integer and other is the negative integer. मतलब numerator और denominator दोनों ही positive हो सकते हैं या दोनों ही negative हो सकते हैं या opposite sign के भी हो सकते हैं, किसी भी case में वो rational number हो सकता है, ठीक है। अगर numerator और denominator दोनों positive है तो भी rational number हो सकता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो नेगेटिव है तो भी रैशनल नंबर हो सकता है, और अगर दोनों में ऑपोजिट साइन है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, मतलब जैसे 0.8 को अगर डिवाइड करोगे मतलब 8/10 फिर कैंसलिंग करो तो आएगा 4/5, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो एवरी डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग है वो सारे रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है। देखो, अ रैशनल नंबर p बाई क्यू is said to be in the standard form or simplest form if q is greater than 0 and
P and Q have no common factor other than one. मतलब P by Q को standard form में तभी कहा जाएगा जब Q is greater than zero होगा and P और Q में common factor सिर्फ एक होगा, ठीक है? One को छोड़ के कोई और common factor नहीं होगा, ठीक है? तो अगर rational number P by Q में तो अगर rational number P by Q में Q is greater than zero है and there will be no common factors other than one between P by Q, तो rational number P by Q को standard form में या simplest form में तभी कहा जाएगा जब Q is greater than zero है and दोनों के बीच सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट जो है वो है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तीन वे है यहाँ पे, केस वन, केस टू एंड शॉर्टकट मेथड। केस वन देखो, रैशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे जस्ट प्लस करने से हो जाएगा न्यूमरेटर को, ठीक है? जैसे p by q plus r by q equal to q है LCM और न्यूमरेटर में होगा p plus r, ठीक है? तो इसके ही कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पे। फिर केस टू देखो, रैशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो केस टू में देखो क्या मेथड फॉलो किया है। पहले डिनोमिनेटर के एलसीएम किए, उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम किए। देखो जैसे 15 एलसीएम आया तो -3/5 का जो डिनोमिनेटर है उसको भी 15 में चेंज कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, और 2/3 का जो डिनोमिनेटर है उसको भी 15 में कन्वर्ट कर दिया, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है? मतलब डिनोमिनेटर सेम किया। उसके बाद जो केस वन के रूल है वो फॉलो किया, मतलब सेम डिनोमिनेटर है इसीलिए एलसीएम है 15, फिर न्यूमरेटर दो न्यूमरेटर को प्लस कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट देखो शॉर्टकट मेथड, यही यूज़ होते हैं नॉर्मली। जैसे हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं, पहले डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकाले, उसके बाद जैसे फ्रैक्शन के एडिशन होते हैं वैसे ही एडिशन कर दिए, ठीक है? तो देखो 18 और 24 के एलसीएम है 72, तो देखो 18/72 मतलब 4 × −23 प्लस 24/72 मतलब 3, 17/3 अब −23/4 मतलब −92 प्लस 17/3 51, दोनों को माइनस करके मिला −41 और नीचे है 72, तो −41/72 इज़ द आंसर, ठीक है? ऐसे ही तो हम फ्रैक्शन के एडिशन भी करते हैं, तो वही मेथड यहाँ पे फॉलो हुआ, ठीक है? यही पॉपुलर मेथड है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है जो रैशनल नंबर्स फॉलो करते हैं, ठीक है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? देखो इफ p by q एंड r by s वेयर q एंड s आर नॉट इक्वल टू जीरो are two rational numbers, then p by q plus r by s is also a rational number. This is called closure property of addition of rational numbers. मतलब अगर दो rational numbers को add करोगे
तो जो रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखो सपोज यहाँ पे दो रैशनल नंबर कंसीडर किए, एक है -4/7 और एक है -8/5। तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी -4/7 प्लस -8/5 इक्वल टू -8/5 प्लस -4/7। मतलब अगर a प्लस बी करे या b प्लस ए करे दोनों इक्वल है। ठीक है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पेज में देखो डेफिनेशन है। देखो इफ p बाई क्यू एंड r बाई s वेर q एंड s आर नॉट इक्वल टू जीरो आर टू रैशनल नंबर्स देन p बाई क्यू प्लस r बाई s इक्वल टू r बाई s प्लस p बाई क्यू। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर p बाई क्यू के साथ r बाई s प्लस करें या r बाई s के साथ p बाई क्यू प्लस करें दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब देखो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? देखो यहाँ पे तीन रैशनल नंबर्स है p बाई क्यू, r बाई s एंड t बाई u। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी p बाई क्यू प्लस ब्रैकेट में r बाई s प्लस t बाई u, मतलब ये दो रैशनल नंबर्स को प्लस करके फिर p बाई क्यू को ऐड करो तो जो रिजल्ट आएगा p बाई क्यू प्लस r बाई s करके फिर t बाई u करो तो एक ही रिजल्ट आएगा। मतलब सेकेंड वन और थर्ड वन को प्लस करके फर्स्ट वन को प्लस करो तो जो रिजल्ट आएगा, फर्स्ट वन और सेकेंड वन को प्लस करके फिर थर्ड वन को प्लस करने से एक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब एक ऐसे रैशनल नंबर है जिसको दूसरे रैशनल नंबर से प्लस करने से वही रैशनल नंबर आएगा। मतलब देखो फॉर एवरी रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर जीरो सच दैट p बाई क्यू प्लस जीरो इक्वल टू p बाई क्यू इक्वल टू जीरो प्लस p बाई क्यू। मतलब जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको किसी और रैशनल नंबर से अगर ऐड करोगे तो वही रैशनल नंबर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, द नंबर जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब है, नेक्स्ट पेज में जाओ, देखो फॉर एवरी रैशनल नंबर p बाई क्यू वेर q इज नॉट इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर माइनस p बाई क्यू सच दैट p बाई क्यू प्लस माइनस p बाई क्यू इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस p बाई क्यू प्लस p बाई क्यू। मतलब हर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का एक सेम नेगेटिव रैशनल नंबर होता है जिसको प्लस करने से रिजल्ट जीरो आता है। या बोल सकते हो हर एक नेगेटिव रैशनल नंबर्स का एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है जिसको प्लस करने से या ऐड करने से जीरो मिलता है। तो उस केस में ये जो तो नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है दस माइनस पी बाई क्यू इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ पी बाई क्यू एंड पी बाई क्यू इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस पी बाई क्यू। ठीक है, हैंस माइनस ऑफ माइनस पी बाई क्यू
इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए पी बाई क्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे एक रिमार्क है, देखो, टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर चेंज इट्स साइन। मतलब अगर किसी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स ढूंढना है तो सिर्फ उसका साइन चेंज कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा वो एडिटिव इनवर्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो रैशनल नंबर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। बाय।